नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन इपिकैप के बारे में बात करने जा रहे हैं। इपिकैप जो है वो आपको डायसेंट्री वगैरह में यूज आती है और साथ ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में काम आती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में इपिकैप जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। मेडिसिन देते ही आप लोगों को आराम देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डिस्पनिया की शिकायत आ रही है और साथ ही आपकी चेस्ट में कंस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है और साथ ही दर्द हो रहा हो, और अगर आप लोगों को साल के अंदर कुछ ऐसे अटैक्स आते हो जिनमें आप लोगों को ब्रेथ की शॉर्टनेस महसूस होती हो, साल के अंदर एक बार या दो बार अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तब आप इपिकैप का यूज करके इन सिम्टम्स में रिलीफ पा सकते हैं। और क्योंकि अगर आप लोगों को ब्रेथ की शॉर्टनेस हो रही है तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको अस्थमा की दिक्कत शुरू हो जाए, पर अगर आप यहीं पे इसका इलाज कर लेंगे तो अस्थमा आपको नहीं होगा और आप लोग जो है बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। खांसी के साथ जुखाम आता हो, गले में जो है बलगम बनता हो, बलगम आपको थ्रोट के अंदर फील होता हो, जुखाम के साथ भी नाक में से बहुत सारा पानी बहता हो, तब आप इपिकैप का यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि आपकी चेस्ट के अंदर बलगम जो है वो पूरा भरा पड़ा है पर वो बाहर नहीं आ रहा, बाहर आने में वो दिक्कत दे रहा है, इस सिचुएशन में आप इपिकैप का यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सफोकेशन साथ में होती हो, सफोकेटिव कफ आती हो, खांसते समय आपको सफोकेटिव फील होता हो, और अगर बच्चे की बात करें तो उसको खांसी के टाइम पे विजिंग कफ आती हो, यानी कि उसको विजिंग, वो जो विस्लिंग साउंड होती है सांस लेते हुए, उस समय में अगर वो साउंड आती हो और बच्चे को पूरे शरीर में अकड़ाहट महसूस होती हो और वो थक जाए, तब आप इपिकैप का यूज कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, अगर आपके गले में खराश रहती हो और हॉर्सनेस हो जाए, यानी कि आपको बोलने में जो है वो दिक्कत आना शुरू हो जाए और आपका नोज जो है वो ब्लीड करना शुरू कर दे, नाक में से खून बहने की दिक्कत आ जाए, तब आप इपिकैप का यूज करके अपने सिम्टम्स में आराम पा सकते हैं। इन सिम्टम्स के साथ अगर आप लोगों को फीवर आ रहा है, इंटरमिटेंट फीवर आ रहा है, यानी कुछ देर आप लोगों को फीवर आता हो फिर रुक जाता हो और दोबारा आ जाता हो, ऐसी सिचुएशन में आप इपिकैप का यूज कर सकते हैं। कई बार खाना प्रॉपर टाइम पे ना लेने पे भी आप लोगों को फीवर आ जाता है, जिसमें आप लोगों को थकान भी साथ में महसूस होती है, ऐसी सिचुएशन में भी आप इपिकैप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इपिकैप जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम करती है। इसकी जो डोसेज है वो काफी तरीके से आती है। होम्योपैथिक मेडिसिन की डोसेज जो है वो अलग अलग पोटेंसीज में आती है। अब कौन सी पोटेंसी कब देनी है ये आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बीमारी की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को परेशानी कितनी है, उस हिसाब से इसकी पोटेंसी और इसकी डोसेज जो है वो दी जाती है। अगर आपको कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, वरना आप लोगों को साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को आगे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस इसी तरीके से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।